Hello students, how are you? I hope you are fine. You are very welcome in MB classes, a proper guidance. Today in this session, I am going to derive the formula for in center of a triangle. So, are you ready? Okay. तो चलते हैं और इन सेंटर का फॉर्मूला को डिराइव करते हैं. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला फॉर इन सेंटर. नाउ लुक, व्हाट इज इन सेंटर? द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल. द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. आप द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल भी डायरेक्ट बोल सकते हैं. मीट एट अ पॉइंट इन साइड द ट्रायंगल विच इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सो लुक, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, एनी ट्रायंगल. ओके, नाउ व्हेन the internal bisectors of angles of all the three angles of this triangle will be drawn, they will meet at point I. Okay, and that very point is known as in center, and we have to derive the coordinates of in center. Okay, so this is going to be derived in under coordinate geometry. So we will derive in form of coordinates. Okay, x coordinates, that is called abscissa, and y coordinates, that is called ordinate. Now look, how shall we proceed? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ लिख लेंगे. We will write whatever given, whatever shown in the figure. Okay, this is a triangle ABC. Let the coordinate we have laid here. What coordinates of A are x1, y1, B are x2, y2, and C are x3, y3. So, the coordinates of A, x1, y1, comma B, x2, y2, and C, x3, y3. Now, हमारे पास क्या है? देखिए कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल में एंगल ए के अपोजिट साइड को बी सी कहते हैं, और बी सी का मेजर हमेशा कितना होता है? ए के बराबर होता है. ध्यान रखिएगा, ए के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? इस ए के बराबर होता है. और बी के अपोजिट साइड ए सी है, तो ए सी का मेजरमेंट हो जाएगा बी का स्मॉल बी, लिख दीजिए, यही हो जाएगा स्मॉल बी के बराबर. और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी का मेजरमेंट स्मॉल सी के बराबर हो जाएगा. ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी. अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इन सेंटर को डिराइव करने के लिए हमें दो फॉर्मूला का ध्यान होना चाहिए. पहला सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग कहाँ लर्न किए थे? याद कीजिए, क्लास टेंथ में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग एक थ्योरम लर्न किए थे जिसका नाम था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो क्या बोलता था कि अगर कोई एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ लाइन जाता है तो वो लाइन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को आप लर्न कर लीजिए क्लास टेंथ से.
अगर आप भूल गए हैं तो आप उसे देख लें। तो इसका जो मोटा मोटा बात है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, वो ये है कि जब कोई एंगल को बाइसेक्ट करता है कोई लाइन, तो वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को फॉलो करते हुए बी डी बाय बी, जैसे जैसे ए डी को अगर हम बाइसेक्टर मान लेते हैं एंगल बी ए सी का, तो हो जाता है बी ए बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी। ओके, सो फ्रॉम दिस वेरी थ्योरम ओके वी विल डिराइव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हाउ, फ्रॉम नाउ लुक फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बी ए बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी। हेयर वी विल राइट सिंस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ओके, तो ऐसा हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि हमें बी डी बाय सी डी पता करना था, तो यहां पर लिख लेंगे बी डी बाय सी डी इज इक्वल टू, ना लुक, बी ए का मेजरमेंट हमें पता है ऑलरेडी क्या है, सी है। ये हमें क्या होता है, इसका नॉलेज हमें पहले से होता है कि एंगल सी के अपोजिट में स्मॉल सी होगा मेजरमेंट, और एसी का मेजरमेंट भी हमें पता है जो क्या है स्मॉल बी। तो ये हो गया, ठीक है। तो बी डी बाई सी डी हमें पता चल गया। अब हम आराम से कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिख देंगे क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी डी के जगह में लिख देंगे सी, और ये हो जाएगा आपका सी, और सी डी के जगह में लिख देंगे बी। ओके, ऐसा लिख देंगे। तो ये हमें पता चल गया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पहला यूज हम लोग यहाँ पर किए, आगे भी एक यूज होने वाला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। तो चलिए आगे देखिए क्या करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। हाउ, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, लुक BC is a line segment where coordinates of B and C are given, and also M is C and N is B. M ratio N is given. So coordinates of D can be found. Okay? So how? Look, from section formula, now from section formula coordinates of d को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे d, और ये ब्रैकेट को शुरू करेंगे और आराम से लिखेंगे। देखिए क्या, तो पहला चीज़ जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, c के साथ एक बार x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले f शीशा का लिखेंगे, तो सी एक्स थ्री प्लस का सिंबल देते हैं बिकॉज इंटरनल बाइसेक्टर है। बी को अब लेंगे तो बी एक्स टू, नीचे हो गया एम रेशियो एन। ओके, अब देखिए कॉमा डालिए, दूसरा लिखिए, दूसरा हम लोग ऑर्डिनेट को लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे सी वाई थ्री प्लस, सी वाई थ्री हो गया प्लस, देखिए बी वाई टू, अगेन नीचे बी प्लस सी। तो ऐसे हमें पता चल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, पता चल गया सेक्शन फॉर्मूला से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सीधा ये लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है
कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई भी काउच, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए भी पता चल गया और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी भी पता चल गया। आप देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ये है, ये हमें पता चल चुका है, ठीक है। चलिए एक बार कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी को यहां पर बगल में लिख देते हैं। यहां पर ये लिख दिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी लिख दिया, ओके। चलते हैं अब हम लोग आई का कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे आई का कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, तो हमें क्या चाहिए आई का कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, ए आई इच टू डी आई चाहिए। चलिए ए आई इच टू डी आई फाइंड करना अब मेरा मेन मोटो मेरा रहेगा कि ए आई बटा डी आई हम निकाल लें। तो चलिए आइए ए आई बटा डी आई को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ क्या कि आप देखिए, अगेन आप देखिए, आप ट्रेंगल ए बी डी को कंसीडर कीजिए। किसको? ट्रेंगल ए बी डी को कंसीडर कीजिए। ट्रेंगल ए बी डी को जब आप कंसीडर कीजिएगा तो आप देखिए कि ट्रेंगल ए बी सी के लिए बी ई भी एक बाइसेक्टर था जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा था, तो बी ई लाइन में ही तो बी आई स्टैंड है ना, आई एक पॉइंट बी ई लाइन में ही है, तो बी आई क्यों नहीं हो सकता है एंगल ए बी डी का, ट्रेंगल ए बी डी के लिए एक बाइसेक्टर, ऑफ कोर्स हो सकता है। और ये देखिए सिंबल भी डाला गया है ऑलरेडी, तो ट्रेंगल ए बी डी को कंसीडर कीजिएगा तो बी आई क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी का बाइसेक्टर। तो अगेन हम लोग क्या लगा लेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां लिखेंगे नाउ, नाउ इन ट्रायंगल एबीडी बीआई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीडी, एबीडी ट्रायंगल में ऐसा हो गया, एबीडी का बाइसेक्टर हो गया। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, अगेन फ्रॉम सो अगेन फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगेन फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी विल हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई लाइक दिस, सॉरी वी विल हैव बी ए बाय बी डी इज इक्वल टू ए आई बाय डी आई, नाउ लुक ए आई डी आई पता चल रहा है। तो अब बी ए बाई बी डी को फाइंड करना मेरा मोटो है, तो चलिए बी ए बाई बी डी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए बी ए बी डी, बी डी तो हमें नहीं पता है जबकि हमें बी सी पता है, तो क्या करना होगा, थोड़ा सा हेल्प हमें कहाँ से लेना होगा, यहाँ से लेना होगा, ये देखिए यहाँ से लेना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ से कैसे लेंगे, तो देखिए बी डी बाई सी डी क्या दिया गया है, सिंस वी विल राइट हियर, चलिए इस काम को यहां करके दिखाते हैं, सिंस बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू सी बाई बी, तो इसको क्या करेंगे, ये दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, एक बार उल्टा कर लेते हैं क्योंकि बी डी को नीचे लाना मेरा मोटो है, ठीक है। देखिए तो बी डी को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो सी डी ऊपर चला गया, अब यहां भी उल्टा हो जाएगा, बी बाई सी हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें ऐड कर देना है वन बॉट्स बॉस साइट, ओके।
तो ये वन ऐड कर रहे हैं बोथ साइड. ओके नाउ लुक, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस BD बाय BD इज इक्वल टू B प्लस सी बाय सी. कैन वी कैन राइट दिस. ओके ओके नाउ लुक, CD प्लस BD. अब देखिए CD प्लस BD क्या है मेरे पास, CD और BD को जोड़ देंगे तो BC आ जाएगा. क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा. तो हम लोग CD प्लस BD के बदले में क्या लिख देंगे? BC. और नीचे में क्या हो गया? BD हो गया. और ये क्या हो गया आपका? B प्लस सी बाय सी. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से BD निकाल लेंगे. तो कैसे निकाल लेंगे? तो ऐसे BC के जगह में हम लोग अब क्या पुट कर देंगे? A, बिकॉज BC का मेजरमेंट क्या है? A है. तो A और ये C ऊपर क्रॉस हो गया था बाय B प्लस सी. ध्यान दीजिए इसको, ये हो जाएगा. ठीक है, चलिए अभी इस BD को कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, बिकॉज BA तो हमें पता था कि C है. इशू BD को फाइंड करना था. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए क्या हो रहा है, BA का वैल्यू है C, वो लिख देंगे. BD का वैल्यू अभी अभी लाए हैं AC और नीचे में B प्लस सी. इसका मतलब B प्लस सी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. ओके इसको यहां लिख देते हैं, बराबर ए आई बाय डी आई. नाउ लुक, ये सी कैंसिल हो गया, तो ए आई बटा डी आई बराबर हो गया बी प्लस सी बटा ए. ध्यान दीजिए ए आई बटा डी आई बराबर हो गया B प्लस सी बटा ए. तो ए आई इज टू डी आई तो पता चल गया ना, तो ए आई इज टू डी आई पता चल गया B प्लस सी बटा ए. तो अब हम लोग ए आई के जगह में B प्लस सी को लिख सकते हैं और डी आई के जगह में A लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? A. तो चलिए इसको लिख देते हैं. तो ए आई के जगह में अब हम लोग लिख सकते हैं B प्लस सी और ए आई के डी आई के जगह में लिख सकते हैं ए. ध्यान रखिएगा कैसे लिखे हैं. ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इस कोऑर्डिनेट आई को फाइंड कर लेते हैं. ओके चलिए सो हाउ लुक, यहां पर हो गया ए आई बटा डी आई बराबर बी प्लस सी बटा ए. ध्यान रखिएगा, अब देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई लिखने जा रहे हैं. फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगेगा. Now again from section formula. Section formula. Okay, look how. Coordinates of I will be. We will write here I like this. Now start bracket. Now start writing coordinates of i. How? ए आई बटा डी आई दिया हुआ है बी प्लस सी बटा ए. और यहाँ देखिए ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है और बी का कोऑर्डिनेट सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बटा बी प्लस सी, ऐसा कुछ दिया गया है. ठीक है, चलिए तो पहले एफ सीसा को देखते हैं. तो एफ सीसा को जब हम लोग लेंगे तो यहाँ से बी प्लस सी उठा लेंगे, तो ये बी प्लस सी से स्टार्ट हो गया इंटू अंदर में क्या हो जाएगा सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू. भाई नीचे में क्या है? B प्लस सी है. ये देखिए ये हो गया, क्लियर है. इनटू यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस. अब ऑर्डिनेट के लिए A x1 यहां पर तो लिखना ही होगा ना, और हॉल बाय में क्या हो जाएगा? सॉरी ये आपका हॉल बाय नहीं है, अब हॉल बाय आएगा. हॉल बाय
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, m प्लस एन को ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा नीचे में। ध्यान दीजिए, ये हम लोग लिखे हैं अभी एफ सीसा को, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं ऑर्डिनेट को, उसको यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो मैनेज कर लीजिए। तो y को लिखने के लिए फिर से उठाएंगे b प्लस सी, और फिर एक बार लिखेंगे y का, देख लेंगे सी वाई थ्री। देखिए यहाँ पर सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू, और नीचे में फिर से हो जाएगा b प्लस सी। ओके नाउ प्लस प्लस क्या, a के साथ y1, और हॉल बाई क्या हो जाएगा, ये हॉल बाई क्या हो जाएगा, अगेन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये हो गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए सारा चीज यहां लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आई का कोऑर्डिनेट ऐसा। अब इसको एक बार फ्रेश करके लिख देते हैं, इसको काटिए यहां से, देखिए ये कट रहा है, कैसे कट रहा है, तो आप देखिए इसको कैसे काटना है। तो आप काटिए b प्लस सी के साथ, b प्लस सी को काटिए, ये काट दिए b प्लस सी के साथ, यहाँ भी b प्लस सी के साथ b प्लस सी को काट दीजिए, तो b प्लस सी के साथ b प्लस सी को काट दिए। अब देखिए क्या बच गया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ i जो है वो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से देखिए, सॉरी ये सी एक्स थ्री है, ये गड़बड़ लिखा गया था थोड़ा, ये सी एक्स थ्री है, इसमें घबराना नहीं है, ये बस x जो अब सीसा में है वही है सी एक्स थ्री। अब देखिए क्या हो गया, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बच गया, इसको आराम से ऑर्डर में लिख देंगे, और नीचे में क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। अब y का लिखेंगे उसी तरह से यहाँ, तो y के लिए देखिए ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बच गया, और नीचे में a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। ये देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर हमारा आ चुका है। ओके अब जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमारा इन सेंटर आ गया, ठीक है, हमको बस एडी बाइसेक्टर लेके हम एंगल बीएसी को लेकर एंगल ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई निकाल लिए, तो क्या बी को अगर हम बाइसेक्टर मानते तो नहीं निकलता, ऑफ कोर्स निकलता, और सीएफ को अगर बाइसेक्टर मानते तो नहीं निकलता, ऑफ कोर्स निकलता। तो तीनों ही केस में हम लोग निकाल सकते थे, बस मेरा मोटो था यहाँ पर एक को निकालना, इसका डेरिवेशन हालांकि नहीं पूछा जाता है, कभी कभार एलेवेंथ के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको हूबहू एज इट इज आपको डिराइव करना है, इतना लिखिए आपका काम होगा। आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन डिराइव कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर फॉर एंगल बाइसेक्टर बी एंड सी एफ सेपरेटली इन द सेम वे। ओके ऐसा हम लोग लिख देंगे, और देखिए इस तरह से हमारा इन सेंटर आ गया है। तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन को बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक्स वन वाई वन दिया रहेगा, एक्स टू वाई टू दिया रहेगा, एक्स थ्री वाई थ्री दिया रहेगा, और ए बी सी भी आपको दिया रहेगा, फिर आपको बोलेगा कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। सो That's it for today. Okay, guys. मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर लाइक और कमेंट लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, शेयर आपके हाथ पर है, अगर आपको मन होता है तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे अगले वीडियो में किसी एक अच्छा सा फॉर्मूला या फिर डेरिवेशन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।